हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है खुश कैसे रहें। क्या हमें कोई बता सकता है कि दुनिया में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो हमेशा खुश रहते हैं? कोई भी? अच्छा चलिए, दुनिया छोड़े, इंडिया में ही इतने कितने लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं? सही मायने में देखा जाए तो 0.01% लोग ही ऐसा हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। तो बाकी के लोग खुश क्यों नहीं रहते? तो खुश रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आखिर कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो करना पड़ेगा खुश रहने के लिए। बहुत से लोग बोलेंगे पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई इंसान है जो 24x7 हमारे हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी ना आए? ऐसा कोई भी इंसान? हम लोग इंसान हैं, और पता है इंसान का मेंटेलिटी क्या होता है? हमारे साथ लाख अच्छा हो, हमारे साथ किसी ने लाख अच्छा किया हो, लेकिन अगर वो एक गलती कर देता है, वो एक बुराई कर देता है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले उस बुराई की ओर दौड़ता है। उसने लाख अच्छा किया हो, लेकिन हमारा दिमाग उसकी बुराई की तरफ ही जाता है कि उसने बुरा किया। उसकी अच्छाई को हम भूल जाते हैं, उसकी अच्छाई की कोई कदर नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करें कि हम खुश रहें? तो इसका एक ही उपाय है, हमें अपने लाइफ में सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे पास जो कुछ भी है, जितना है, हमें उसी में खुश रहना पड़ेगा और उसी को सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। अब लोग बोलेंगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम सेटिस्फाई क्यों रहे, कैसे रहें, क्यों रहें? तो हमारे पास कुछ नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, और उसे पाने के लिए हमें मेहनत करना है, और कुछ भी नहीं। उसे पाने के लिए हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अब मेहनत एक आप इरिटेट होके कीजिएगा, चिड़चिड़ा के कीजिएगा वो, और मेहनत शांति से कीजिएगा वो। कौन सा मेहनत ज़्यादा देर तक चलेगा और कौन सा मेहनत सफल होगा? हम शांति से सेटिस्फाई होके जो मेहनत करेंगे, वही मेहनत हमारा सही राह लेके जाएगा और सही रहेगा, और उसी से हमें सफलता मिलेगी। तो ज़िंदगी में खुश रहने का एक ही उपाय है, सेटिस्फाई रहिए, खुश रहिए, खुद में खुशियाँ ढूंढिए, मेहनत कीजिए अपने गोल को पाने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।